अब हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर सेवन तो देखिए इसमें क्या बोला जा रहा है कि राइट द डोमेन एंड रेंज ऑफ द फॉलोइंग रिलेशंस यहाँ पे कुछ रिलेशंस दिए गए हैं जिसमें आपको डोमेन बताना है और रेंज बताना है ठीक है तो कैसे बताओगे चलो मैं आपको बताती हूँ ये देखो ये है आपका पहला सब क्वेश्चन तो यहाँ पे लिख दो सोल्यूशन ठीक है इसमें देखो ये रिलेशन यहाँ पे दिया गया है तो क्या क्या है सबसे पहले हम इसको लिख लेते हैं देखो इसका कोई नाम नहीं है तो इसको हम आर वन कंसिडर करते हैं तो यहाँ पे हम लिखते हैं लेट आर वन इज इक्वल टू ठीक है यहाँ पे क्या है ए कॉमा बी स्लैश ए बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर नेचुरल नंबर आपको पता है ना स्टार्ट फ्रॉम वन ओके फिर यहाँ पे ए इज लेस देन सिक्स एंड बी इज इक्वल टू फोर ठीक है ये दिया गया है राइट right? अब डोमेन और रेंज क्या होता है तो जो ए के वैल्यूज होंगे ना वो आपका क्या हो जाएगा डोमेन और जो बी का वैल्यू होगा वो आपका क्या हो जाएगा रेंज हो जाएगा आपको बताती हूँ आगे ज्यादा टेंशन मत लो हाँ अगर आपने बेसिक वाला वीडियो देखा रहेगा तब तो आपको डोमेन और रेंज इसमें कुछ भी डाउट नहीं होगा और जिन्होंने नहीं देखा है वो भी चिंता ना करो अभी पता चल जाएगा ठीक है तो क्या करेंगे हम यहाँ पे देखो कंडीशन क्या है कि ए बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड ए इज लेस देन सिक्स तो ए के वैल्यूज क्या क्या होंगे तो नेचुरल नंबर मतलब इसमें वन आएगा टू आएगा थ्री आएगा फोर आएगा फाइव आएगा और सिक्स आएगा क्या नहीं क्योंकि यहाँ पे क्या बोला गया ए इज लेस देन सिक्स सिक्स से छोटा मतलब बस इतने ही वैल्यूज ए के हो सकते हैं ठीक है और यहाँ पे डायरेक्टली बी का वैल्यू तो दे ही दिया गया है क्या बोला गया है फोर ठीक है तो बी का वैल्यू आपको कुछ भी फाइंड आउट करने की जरूरत नहीं है डायरेक्ट यहाँ पे बोला गया बी इज इक्वल टू फोर ठीक है तो अभी अभी मैंने आपको बताया देखो जो आपके ऑर्डर पेयर होते हैं ना जैसे यहाँ पे ए और बी है तो ऑर्डर पेयर में जो पहले प्लेस पे नंबर होता है उसको हम डोमेन कहते हैं और जो दूसरे प्लेस पे नंबर होता है उसको हम क्या कहते हैं रेंज कहते हैं ठीक है थीके? तो यहाँ पे देखो पहले प्लेस पे क्या है ए तो ए के ये जो वैल्यूज है ना ये आपके क्या हो जाएंगे स्टूडेंट डोमेन हो जाएंगे तो यहाँ पे लिख दीजिए डोमेन इज इक्वल टू ए के जितने भी वैल्यूज है सबको इधर लिख दो सेट के फॉर्म में वन टू थ्री फोर और फाइव ठीक है क्लियर है अब रेंज बताना है तो रेंज मतलब ये b ठीक है b का वैल्यू तो b का वैल्यू क्या है इधर देखो फोर है तो यहां पे लिख दीजिए फोर बस कहानी खत्म ये लीजिए क्वेश्चन नंबर सेवन का फर्स्ट सब क्वेश्चन कंप्लीट हो गया इस तरीके से आपको करना है ठीक है और यहाँ पे एक और चीज आप लिख सकते हो डोमेन ऑफ आर वन ऐसे करके लिखोगे तो और भी अच्छा है है ना डोमेन ऑफ आर वन अच्छा चलो आपको पूरा स्टार्टिंग से ही लिख करके बता देती हूँ कैसे लिखना है यहाँ पे देखो यहाँ पे हम लिखेंगे डोमेन और फिर यहाँ पे ब्रैकेट में लिख दीजिए आर वन तो क्या क्या है वन टू थ्री फोर और ये फाइव फिर यहाँ पे रेंज तो रेंज आर वन ठीक है रेंज ऑफ आर वन फोर ओके ये लीजिए फर्स्ट सब क्वेश्चन कंप्लीट हो गया ये आपका सेकंड सब क्वेश्चन है तो यहाँ पे देखिए क्या दिया गया है सबसे पहले यहाँ पे सॉल्यूशन लिख दो इसमें भी आपको डोमेन और रेंज ही बताना है तो इसको आप आर टू कंसिडर कर लेना ठीक है ये रिलेशन है एक क्या दिया गया यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर ए कॉमा बी स्लैश ए एंड बी बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर ए और बी बिलोंग करते हैं नेचुरल नंबर से तो नेचुरल नंबर तो स्टार्ट होता है वन से याद रखा करो हमेशा फिर ए प्लस बी विच इज इक्वल टू ट्वेल्व ठीक है तो अब यहाँ पे ए और बी के वैल्यूज क्या क्या होंगे बड़े ही ध्यान से समझना है देखो इसमें क्या बोला जा रहा है यहाँ पे लिखे नाउ ए एंड बी बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड ए प्लस बी इज इक्वल टू क्या होना चाहिए ट्वेल्थ के इक्वल होना चाहिए ठीक है तो कैसे होगा देखो आ, ध्यान से देखिएगा अगर मैं वेन ए इज इक्वल टू क्या लेती हूँ वन लेती हु. जीरो तो हम ले नहीं सकते क्यों नहीं ले सकते क्योंकि अगर जीरो लिखा मतलब होल नंबर हो जाएगा यहां पे साफ साफ बोला गया है कि ए एंड बी बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर नेचुरल नंबर ही होना चाहिए तो नेचुरल नंबर स्टार्ट फ्रॉम वन इसीलिए ए का वैल्यू वन लिया और बी का वैल्यू कितना लेंगे तो ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी वन ए प्लस भी ट्वेल्व होना चाहिए तो वन प्लस इलेवन क्या होता है ट्वेल्व होता है यानी ए का वैल्यू जब आप वन लोगे तो बी का वैल्यू आपको इलेवन लेना पड़ेगा अब आगे देखते हैं वेन ए का वैल्यू समझो मैंने टू ले लिया तो बी का वैल्यू क्या लेना पड़ेगा टेन तभी तो दोनों को मिला करके ट्वेल्व होगा उसी तरीके से आगे भी करते जाओ आगे आगे करते जाइए ए का वैल्यू अगर थ्री लिया तो बी का वैल्यू नाइन लेना पड़ेगा फिर वेन ए इज इक्वल टू फोर ठीक है अगर ए का वैल्यू फोर लिया तो बी का वैल्यू एट लेना पड़ेगा सही है ना फिर यहाँ पे लिखिए लिया तो का वैल्यू सेवन लेना पड़ेगा सात पाँच इतना होता है, होता है। जब हम ए का वैल्यू सिक्स लेंगे तो बी का वैल्यू भी सिक्स लेना पड़ेगा क्योंकि छह छ क्या होता है बारह होता है ठीक है दोनों को प्लस करके बारह आना ही चाहिए अगर बारह नहीं आया मतलब वो नहीं आ सकता ये रिलेशन के अंदर ठीक है फिर वेन ए इज इक्वल टाइव देन बी इज इक्वल टू सेवन अच्छा ए इज इक्वल टू फाइव अच्छा वो तो ले लिया ना अभी बढ़ रहा है ना यहाँ पे ये यह नहीं आएगा ए इज इक्वल टू इधर से बढ़ रहा है इधर से कम होते जा रहे हैं तो यहाँ पे ए का वैल्यू अगर मैं क्या लेती हूँ सेवन लेती हूँ तो बी का वैल्यू मुझे फाइव लेना पड़ेगा है ना इसी तरीके से आगे भी करते जाइए वेन ए इज इक्वल टू सेवन से बड़ा आठ ठीक है तो बी का वैल्यू मुझे क्या लेना पड़ेगा जब ये आठ है तो बी का वैल्यू चार लेना पड़ेगा मुझे फिर इधर वेन ए इज इक्वल टू नौ लिया तो बी का वैल्यू तीन ले लो और वेन ए इज इक्वल टू अगर ये दस लिया तो बी का वैल्यू दो ले लो वेन ए इज इक्वल टू अगर ये ग्यारह लिया तो बी का वैल्यू एक ले लो इसके आगे जाएगा क्या ना ना इसके आगे नहीं जाएगा क्योंकि अगर आपने ए का वैल्यू बारह ले लिया तो बी का वैल्यू वन तो कैसे चलेगा तब तो थर्टीन हो जाएगा तो वो नहीं ले सकते और यहाँ पे जीरो आएगा नहीं है ना तो ये हो गए सभी एक ए के वैल्यूज ये हो गए सभी बी के वैल्यूज अभी आपको यहाँ पे डोमेन और रेंज बताना है तो बड़ा ही सिंपल है लिख दीजिए यहाँ पे दे आर फॉर डोमेन ऑफ आर टू डोमेन ऑफ आर टू यानी ये जो रिलेशन है इसमें डोमेन क्या होगा और रेंज क्या होगा तो सबसे पहले डोमेन लिख देते हैं तो देखो ये जो ए के वैल्यूज आपको दिख रहे हैं ना अच्छा हमने एक मिनट एक मिनट यहाँ पे क्या है ए का वैल्यू वन ए का वैल्यू टू और ए का वैल्यू यहाँ पे थ्री होना चाहिए ना मैंने फोर लिखा है ओके बाई मिस्टेक है ना नौ दस ग्यारह बारह अब बराबर है okay? तो ए के वैल्यूज को यहाँ पे लिख देते हैं डोमेन में वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन पूरा इलेवन तक है लिख दीजिए वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन और ये इलेवन ठीक है अभी रेंज लिख दीजिए रेंज में क्या करोगे सारे बी के वैल्यूज लिख दोगे तो बी के वैल्यूज क्या क्या है इलेवन से स्टार्ट हुआ पूरा वन तक है ना चलिए लिख देते हैं इलेवन टिक्स फाइव फोर थ्री टू और ये वन ठीक है जीरो नहीं आएगा क्योंकि ए एंड बी बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर ठीक है क्लियर है आपको तो थर्ड सब क्वेश्चन भी यहाँ पे फिनिश हो चुका है अभी हम लोग फाइनली जो थर्ड अच्छा सेकेंड सब क्वेश्चन था ये अभी थर्ड सब क्वेश्चन बचा हुआ है थर्ड सब क्वेश्चन को यहीं पे हम लोग सॉल्व कर लेते हैं है ना ये तो बड़ा ही आसान है दिखाऊ आपको ये देखो क्या लिखा गया यहाँ पे क्वेश्चन क्या है पहले मैं लिख लेती हूँ टू फोर फिर टू कॉमा फाइव फिर यहाँ पे टू 2.7 सिक्स टू सेवन ये दिया गया है यहां पर इस तरीके से ओके okay, ये रिलेशन है अब आपको इसमें डोमेन बताना है रेंज बताना है तो कैसे बताओगे सबसे पहले यहां पर सोल्यूशन लिख दो फिर यहां पर लेट इसको इक्वल टू टू कॉमा फोर फिर टू कॉमा फाइव अब इसमें तो डोमेन एंड रेंज आप डायरेक्टली बता सकते हो आपको अभी कुछ कैलकुलेशन करने की जरूरत ही नहीं है फिर इधर टू कॉमा सिक्स यहां पे लिखिए टू कॉमा सेवन ठीक है अब देखो इसमें डोमेन क्या हो जाएगा यहां पर लिखिए देयर फॉर डोमेन ऑफ आर थ्री डोमेन मतलब क्या ऑर्डर पेयर में जो पहले प्लेस पे नंबर होता है उसको हम क्या कहते हैं डोमेन कहते हैं ठीक है ठीके? और जो दूसरे प्लेस पे होता है उसको हम क्या कहते हैं रेंज कहते हैं यहां पर रेंज भी लिखेंगे रेंज ऑफ आर थ्री ठीक है ऐसे तो अब देखो यहां पे आएगा क्या यहाँ पे देखोगे तो डोमेन के प्लेस पे टू है हर जगह देखो टू 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 है तो एक ही बार टू लिखिएगा क्योंकि मैंने बार बार बोला है इज नॉट अलाउड अलाउड इन द सेट सेट के अंदर नहीं होता है 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 ठीक तो तो हर टू है, हर जगह जगह देखो, देखो देखो ध्यान से तो टू बस एक बार लिख करके छोड़ दो ये हो जाएगा आपका डोमेन अब रेंज क्या होगा तो ऑर्डर पेयर में जो दूसरे प्लेस पे नंबर होता है उसको हम क्या कहते हैं रेंज कहते हैं तो क्या क्या है फोर फाइव सिक्स और सेवन यहाँ पे लिख दीजिए फोर फाइव सिक्स और सेवन ठीक है ये लीजिए यहाँ पे हमने थर्ड वाला सब क्वेश्चन भी कंप्लीट कर लिया तो यहाँ पे आपका सेवन क्वेश्चन पूरा कंप्लीट हो चुका है इसमें बस तीन ही सब क्वेश्चन दिए गए थे और तीनों के तीनों हमने सॉल्व कर लिए उसके बाद अभी क्वेश्चन नंबर एट है वो भी बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन है पहले आप ये देखो फिर मैं आपको एट्थ वाला भी बताती हूँ अभी क्वेश्चन नंबर एट देखिए यहाँ पे सेट ए दिया है सेट बी दिया है ठीक है उसके बाद रिलेशन में क्या बोला जा रहा है ए और बी वेयर ए बिलोंग्स टू ए यानी ए बिलोंग्स टू सेट ए ये वाले सेट से ठीक है बी बिलोंग्स टू सेट बी और यहां पर आगे क्या दिया गया है कि ए माइनस बी इज एन ईवन नंबर तो इवन नंबर क्या होता है स्टूडेंट देखो वो नंबर जिसको हम लोग टू से डिवाइड कर सकते हैं यानी टू फोर सिक्स एट टेन ये सभी क्या हो गए ईवन नंबर हो गए ठीक है ऑर्ड नंबर मतलब वन थ्री फाइव सेवन ये सभी क्या है ऑर्ड नंबर है राइट right?

फिर उसके बाद सेट बी है आपका वन थ्री और फाइव ठीक है इतना समझ में आया क्या किया हमने जो क्वेश्चन में दिया गया था वही चीजें हमने यहाँ पे अलग से लिखती बस ज्यादा कुछ नहीं किया है ठीक है अच्छा थोड़ा अच्छे से लिखते हुए थ्री को ठीक और यहाँ पे रिलेशन में क्या बोला जा रहा है चलो यहाँ पे मैं लिख भी लेती हूँ आर इज इक्वल टू ए बी वेयर एक्स बिलोंग्स ए बिलोंग्स टू ए एन बी बिलोंग्स टू सेट बी ए माइनस बी इज एन इवन नंबर इवन नंबर क्या होता है अभी अभी मैंने आपको बता भी दिया ठीक है तो अभी देखो यहाँ पे ये दोनों कंडीशन है ए बिलोंग्स टू ए एन बी बिलोंग्स टू बी यहाँ पे लिखते हैं हम कि ना हो बिलोंग्स टू सेट ए एन बी बिलोंग्स टू सेट बी तो ए के वैल्यूज क्या क्या हो सकते हैं स्टूडेंट बताइए ए जो है वो सेट ए से बिलोंग करता है यानी ए के वैल्यू क्या क्या हो सकते हैं सिक्स और एट तो यहाँ पर मैंने सिक्स और एट लिख दिया एंड बी के वैल्यूज क्या क्या हो सकते है अकॉर्डिंग टू दिस कंडीशन तो 1, 3, 5. यहाँ पे लिख देते हैं वन थ्री फाइव ठीक है अब यहाँ पे एक और चीज दिया गया है कि ए माइनस बी इज एन इवन नंबर यानी टू फोर सिक्स ऐसे करके नंबर होने चाहिए ऐसा यहाँ पे बोला गया है तो चलिए चेक करते हैं सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे वेन ए का वैल्यू अगर मैं सिक्स लेती हूँ ठीक है और मतलब एक एक करके हम कॉम्बिनेशन बनाएंगे जैसे हम लोग रिलेशन में कैसे बनाते थे रिलेशन मतलब जब हम लोग कार्टिशन प्रोडक्ट निकालते थे ए क्रॉस बी बी क्रॉस ए इस तरीके से करते थे तो हम क्या करते थे बताइए हम क्या करते थे जैसे हमने सिक्स लिया ठीक है तो सिक्स की जोड़ी हम ये हर एक एलिमेंट के साथ बनाएंगे जैसे सिक्स कॉमा वन सिक्समा थ्री सिक्स कॉमा फाइव ऐसे करके याद आया कि नहीं पिछले वाले सब में अभी अभी क्या था तो यहाँ पे अगर मैं ए का वैल्यू सिक्स ले रही हूँ तो बी का वैल्यू यहाँ पे वन ले लेंगे फिर ए का वैल्यू सिक्स है यहाँ पे लिखिए वेन ए इज इक्वल टू सिक्स देन बी का वैल्यू थ्री लेंगे फिर वेन ए का वैल्यू इज सिक्स तो फिर हम बी का वैल्यू क्या लेंगे फाइव लेंगे ऐसे करके आपको पूरा जोड़ी बनाते जाना है जैसे आप लोग उसमें करते थे वैसे ही अब यहाँ पे आगे लिखिए वेन ए इज इक्वल टू एट ए का वैल्यू एट लिया तो बी का वैल्यू वन फिर when ए इज इक्वल टू क्या लेंगे एट तो बी का वैल्यू इज थ्री उसके बाद when ए इज इक्वल टू एट तो बी का वैल्यू इज फाइव ठीक है और कुछ यहाँ बचा है, सबके जोड़ी हमने बना ली हाँ जी सबके जोड़ी बना ली ठीक है अब यहाँ पे कंडीशन क्या था कि ए माइनस बी ए माइनस बी हमें करना है ठीक है तो ए माइनस बी यहाँ पे देखो ए क्या है सिक्स है सिक्स माइनस वन करोगे तो क्या आएगा फाइव आएगा ठीक है जो क्या है एक ऑड नंबर है तो यहाँ पर लिख दीजिए विच इज अड नंबर विच इज ऑड ठीक है इधर ब्रैकेट में लिखोगे तो ज्यादा अच्छा है विच इज ऑड ये क्या है ऑड है राइट right. उसी तरीके से सिक्स माइनस थ्री करके देखो कहीं पे इवन आ रहा है क्या सिक्स माइनस थ्री करेंगे तो थ्री ये भी क्या है ऑड है यहाँ पे लिख दीजिए विच इज ऑड विच इज ऑड नंबर ओके आगे भी आप ऐसे ही करते जाइए छ माइनस पांच करो घटा दो क्या आएगा छ में से पांच गया एक और और ये जो एक है ना ये भी क्या है ऑड नंबर ही ही है 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 पे लिख देते हैं इज ऑड ऑड ठीक ये भी क्या नंबर उसी तरीके से आगे अगर आप करोगे आठ में से एक को माइनस करना आठ में से एक गया सात विच इज ऑड ये भी क्या है ऑड ही है, चाहीं चाहीं है? ही है, है? यहाँ पे लिखते हैं विच इज ऑड नंबर उसी तरीके से आगे करो आठ में से तीन जाएगा तो आठ में से तीन जाएगा तो कितना बनेगा तीन चार पाँच छः सात आठ पाँच आएगा विच इज ऑर्ड यहाँ पे लिख देते हैं विच इज ऑर्ड फिर यहाँ पे ए का वैल्यू आठ है और बी का वैल्यू पाँच है तो आठ में से पाँच को घटाओगे तो कितना आएगा तीन आएगा जो क्या है एक ऑर्ड नंबर है यहाँ पे लिखते हैं विच इज ऑर्ड मतलब कोई ऐसा नंबर आया ही नहीं जो ईवन हो है ना सबके सब ऑड सब नंबर ही आए हैं देखो जितने भी हमने यहाँ पे कॉम्बिनेशन निकाले हैं ऑर्डर पेयर मतलब बनाए हैं उनमें सब में क्या आया है ऑड नंबर ही आया है इस कंडीशन के अकॉर्डिंग सिक्स माइनस वन करो मतलब ए माइनस बी किया तो देखो यहाँ पे फाइव है यहाँ पे थ्री वन सेवन फाइव थ्री इवन नंबर तो आया ही नहीं है ना तो अब आप यहाँ पे क्या लिखोगे कंडीशन क्या था यहाँ पे लिखते हैं अकॉर्डिंग टू कंडीशन ठीक है अकॉर्डिंग टू कंडीशन तो कंडीशन क्वेश्चन में क्या था एक बार पढ़िए ए माइनस बी इज एन ईवन नंबर ऐसा था ए माइनस बी इज एन ईवन नंबर पर ऐसा तो कुछ है नहीं ना इवन नंबर आया पे सबके सब और नंबर तो आए नहीं तो फिर क्या लिखोगे यहाँ पे यहाँ पे लिखिए सो दे आर फॉर आर इज इक्वल टू यानी ये जो आपका रिलेशन यहाँ पे दिया गया है ठीक है ये जो आपका रिलेशन है इसमें एक भी एलिमेंट नहीं आएंगे कुछ भी यहाँ पे आ रहा है क्या देखो कुछ भी नहीं आ रहा है क्योंकि जब हम यहाँ पे इस कंडीशन के हिसाब से वैल्यूज निकाल रहे तब तो हमको सभी ऑड नंबर मिल रहे लेकिन यहाँ पे तो ई बोला था ई रहेगा तभी तो उस जोड़ी को लिखोगे अब ई नहीं है तो नहीं लिखोगे यानी ये क्या हो जाएगा आपका नल सेट हो जाएगा ठीक है नल सेट को ऐसे भी रिप्रेजेंट किया जाता है ये भी दिखा सकते हो ये भी दिखा सकते हो आपकी मर्जी ठीक है तो फाइनली जो हमको प्रूव करना था वो हमने प्रूव कर दिया देखो शो दैट आर इज एन एम्प्टी रिलेशन फ्रॉम ए टू बी यानी आर के अंदर एक भी एलिमेंट नहीं आ रहा है सच में नहीं आ रहा है ना हिंस प्रूव हो गया यहाँ पे लिखिए दे आर फॉर Uh, क्या लिखोगे आर इज एन एम टी रिलेशन फ्रॉम ए टू बी आर इज एन एम टी रिलेशन फ्रॉम ए टू बी ठीक है हेंस प्रूफ जो हमको प्रूफ करना था वो हमने प्रूफ कर दिया यहां पे लिख दीजिए हेंस प्रूफ ये लीजिए आपका क्वेश्चन नंबर एट भी कंप्लीट हो चुका है काफी इसी था बस ध्यान से समझो अगर आपको एक बार मैं नहीं समझा तो एक बार दोबारा से इसको देखो पक्का समझ में आएगा ठीक है कि मैं आपको इसमें क्या बताना चाहती हूँ यहाँ पर देखिएगा ये है आपका नाइन्थ क्वेश्चन तो इसमें क्या बोला जा रहा है कि राइट द रिलेशन इन द रोस्टर फॉर्म यानी यहाँ पे जो रिलेशन दिए गए हैं इन्हें आपको रोस्टर फॉर्म में लिखना है और फिर उसके बाद आपको डोमेन और रेंज बताना है ठीक है तो इजी है कि नहीं क्या करोगे यहाँ पे जो रिलेशन दिया गया उसको आप समझोगे फिर उसके बाद रोस्टर फॉर्म में लिख दोगे ठीक उसके बाद डोमेन और रेंज बता दोगे कितना सिंपल है चलो करते हैं ये देखो ये आपका आर है तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है ए कोमा ए स्क्वायर ठीक है और ए इज प्राइम नंबर लेस देन 15 अच्छा एक बात बताइए कि प्राइम नंबर क्या होता है स्टूडेंट तो प्राइम नंबर मतलब वो नंबर जिसके पास दो ही फैक्टर्स होते हैं ठीक है मतलब एक तो वो वन के टेबल में आएगा और एक वो खुद के टेबल में आएगा और किसी भी नंबर के टेबल में नहीं आने वाला जैसे कि टू टू इज अ प्राइम नंबर बिकॉज इट हैज ओनली टू फैक्टर्स वन एंड टू ओके अगर मैं थ्री की बात करूं तो थ्री भी क्या है एक प्राइम नंबर है क्योंकि इसके भी बस दो ही फैक्टर्स हैं थ्री और किसी के टेबल में आता है क्या इन दोनों को छोड़ करके सोचो सोचो मतलब ये दोनों तो आते ही हैं के 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 टेबल 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 में 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 आएगा आएगा लेकिन और किसी के टेबल में। ना ना पांच की बात करो तो कितने फैक्टर्स एक और पांच तो ये सभी क्या हो गए प्राइम नंबर्स ओके चलो अब मैं आपको बताती हूँ यहाँ पे क्या होगा अच्छा ए के वैल्यूज क्या क्या होंगे क्या बोला गया यहाँ पे कि ए इज प्राइम नंबर लेस देन 15 ए क्या होना चाहिए प्राइम नंबर होना चाहिए तो टू इज अ प्राइम नंबर यस तो लिख दीजिए थ्री इज ऑल्सो प्राइम नंबर सो राइट इट डाउन एंड फिफ्थ फाइव इज ऑल्सो प्राइम नंबर तो ये भी लिखना पड़ेगा सेवन सेवन प्राइम नंबर है जी हाँ सेवन भी प्राइम नंबर है ठीक है बिकॉज इट हैज ओनली टू फैक्टर्स वन एंड सेवन एट सिक्स फिर उसके बाद नाइन बताओ नाइन है क्या कंफ्यूज नहीं होना नाइन के देख लो कितने फैक्टर्स हैं ध्यान से समझ लो बस एक तीन और नौ तो तीन तीन फैक्टर्स हो गए हमको नहीं चाहिए खाली बस दो फैक्टर दो होने चाहिए बस एक तो वो खुद के टेबल में आए और एक तो वन के टेबल में आए उसके बाद नौ नहीं आएगा दस आएगा अरे दस का तो नाम भी मत लेना दस कैसे आ सकता है दो के भी टेबल में आता है पांच में भी आता है एक में भी आता है खुद में भी आता है इसके तो चार चार फैक्टर्स हो गए और चार वाले हमको नहीं चाहिए ओनली टू फैक्टर्स हाँ अच्छा ग्यारह आएगा हाँ ग्यारह आ सकता है चलो ग्यारह को लिख देते हैं उसके बाद बारह नहीं नहीं बारह भी नहीं लिखना तेरह को लिख देना अब तेरह के बाद क्या आएगा 14. 14 का तो नाम नहीं लेना फिफ्टीन फिफ्टीन भी आता है ना फाइव के टेबल में थ्री के टेबल में वन के टेबल में फिफ्टीन के टेबल में तो कैसे उसको ले सकते वो मत लेना ठीक है अच्छा सिक्सटीन नहीं नहीं वो भी नहीं सेवनटीन हाँ सेवनटीन हो सकता है लेकिन चलो मैंने यहाँ पे सेवनटीन लिख दिया पर ये कंडीशन तो देखो इसको मत भूलना लिखते गए लिखते गए इसको भूल गए तब तो आपका गलत आंसर आएगा है ना लेस देन फिफ्टीन बोला गया है मतलब बस यही तक लोगे इसके आगे मत जाना चलो यही तक ले लो बस कंडीशन भी ध्यान में रखना है ठीक है तो ये सभी आपके ए के वैल्यूज हो गए अब ए स्क्वायर क्या क्या हो जाएगा देखो क्या बोला गया यहाँ पे जो a का वैल्यू रहेगा उसका हम स्क्वायर करते जाएंगे है ना a स्क्वायर मतलब a का स्क्वायर तो a का वैल्यू जब 2 होगा तो a स्क्वायर उस टाइम पे क्या होगा बच्चों 4 होगा क्योंकि 2 2 4 3 होगा तो 9 होगा 5 होगा तो 25 होगा 7 होगा तो 49 हो हो तो और 11 होगा तो 121 और अगर 13 हुआ तो 13 का स्क्वायर कर दो 169 ये सारे जो आप आ, मतलब स्क्वायर्स है ना वो आपको याद होने ही चाहिए बीस तक तो कम से कम याद करके रखो ही है ना बार बार आपको मल्टीप्लाई ना करना पड़े आपका टाइम बचेगा तो याद करके रखो चलो इतना कर लिया ना अब हम क्या करेंगे आर वन को रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे रोस्टर फॉर्म यानी क्या एक लिस्ट बना करके लिख देंगे ठीक है तो चलिए लिख देते यहाँ पे लिखेंगे आर वन इज इक्वल टू यहाँ पे देखो ए का वैल्यू दो तो ए स्क्वायर हो जाएगा चार ए का वैल्यू अगर तीन तो ए स्क्वायर वुड बी नाइन अगर ए का वैल्यू पाँच तो ए स्क्वायर पच्चीस ए का वैल्यू सात तो ये हो गया उनचास है ना उनचास फोर्टी नाइन फिर ए का वैल्यू अगर ग्यारह तो ये हो जाएगा एक सौ इक्कीस फिर अगर ये तेरह तो ये हो जाएगा वन सिक्सटी नाइन यानी कि एक सौ क्या 69 कहते हैं इसको उनहत्तर कहते हैं है ना उनहत्तर के बाद सत्तर आता है ठीक है चलिए ये हो गया अब हमको बताना था डोमेन और रेंज अब तो बता ही सकते हो अब क्या ये आर वन लिख दिया ना अच्छा रोस्टर फॉर्म था तो आपको यहाँ पे लिखना चाहिए कि रोस्टर फॉर्म ऑफ आर वन दिखाई दे रहा देखो इधर रोस्टर फॉर्म ऑफ थोड़ा सा अच्छे से लिखती हूँ है ना अच्छा रुको इसको मिटा दू थोड़ा सा जगह हो जाए ऐसे आपको लिखना चाहिए रोस्टर फॉर्म ऑफ आर वन इज इक्वल टू ऐसे हाँ रोस्टर फॉर्म ऑफ आर वन इज इक्वल टू दिस अब यहाँ पर डोमेन लिख दीजिए अब लिखेंगे दे आर फॉर डोमेन ऑफ आर वन इज इक्वल टू डोमेन ऑफ आर वन और यहाँ पे लिखेंगे रेंज ऑफ आर वन तो डोमेन ऑफ आर वन क्या आएगा स्टूडेंट डोमेन मैंने क्या बताया है यहां पर देखो रिलेशन में ऑर्डर पेयर में जो पहले प्लेस पे नंबर होता है उसको हम डोमेन कहते हैं जो दूसरे प्लेस पे होता है उसको हम रेंज कहते हैं तो टू थ्री फाइव सेवन इलेवन थर्टी ये सभी क्या हो गए डोमेन हो गए चार नौ पच्चीस उनचास एक सौ इक्कीस एक सौ उनहत्तर ये सभी क्या हो गए रेंज हो गए तो चलिए लिख देते हैं यहाँ पे दो ध्यान से समझो दो तीन पांच सात ग्यारह तेरह दीज ऑल आर डोमेन ओके एंड दीज ऑल आर रेंज चलो लिखते हैं फोर नाइन पच्चीस फोर्टी नाइन वन ट्वेंटी वन वन सिक्सटी नाइन ये लीजिए नाइन्थ का फर्स्ट सब क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिया है काफी आसान था अभी जो तो इसमें जो दूसरा वाला सब क्वेश्चन है ना इसी के जैसा है उसमें देखो ऐसा कुछ कंडीशन दिया रहेगा फिर आपको क्या करना रहेगा ए और जो भी वहां पे दिया रहेगा उसका वैल्यू निकालो फिर उसके बाद इसको रोस्टर फॉर्म में लिखो और फिर डोमेन और रेंज बताना पहले आप इसको लिखो फिर वो वाला भी बताती हूँ यहां पर देखिएगा ये है आपका सेकेंड सब क्वेश्चन तो यहाँ पे क्या दिया गया है इज ग्रेटर देन जीरो और लेस देन और इक्वल टू फाइव एंड ए बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर ठीक है तो ए के वैल्यूज क्या क्या हो सकते हैं चलो मैं आपको बताती हूँ देखो ए के वैल्यूज क्या क्या हो सकते हैं ग्रेटर देन जीरो यानी वन टू थ्री फिर जाके फोर अच्छा फाइव आएगा क्या यहाँ पे क्या बोला गया है कि ए का वैल्यू ना पांच से छोटा या फिर पांच के इक्वल होना चाहिए यानी इसमें पांच भी आ जाएगा ठीक है इतना बात आपको समझ में आ गया अब देखो वन अपॉन ए क्या होगा वन अपॉन ए मतलब क्या जो ए का वैल्यू है ना उसको आप नीचे लिख दोगे डिनोमिनेटर में और ऊपर वन ठीक है तो यहाँ पे ए का वैल्यू क्या है वन तो यहाँ पे वन अपॉन वन मतलब वन अपॉन वन यानी वन ही होगा है ना तो यहाँ पे हम डायरेक्टली लिख देते हैं वन फिर उसके बाद यहाँ पे टू है ना तो इसमें क्या आएगा वन अपॉइंट टू फिर यहाँ पे वन अपॉइंट थ्री यहां पे को फोर है तो यहाँ पे आ जाएगा वन अपॉइंट फोर यहाँ पे फाइव है तो वन अपॉइंट फाइव आ जाएगा ठीक है तो हमने यहाँ पे a और वन अपॉइंट ए के वैल्यूज लिख लिए हैं ठीक है थीके? अब इसको हम लोग रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे तो यहाँ पे हम लिखते हैं कि रोस्टर फॉर्म ऑफ रोस्टर फॉर्म ऑफ आर टू

अब आपको बताना है डोमेन और रेंज तो बता दीजिए यहां पे लिखिए दे आर फॉर डोमेन ऑफ आर टू इज इक्वल टू डोमेन ऑफ आर टू इज इक्वल टू क्या होगा आप बताती हूँ रुको पहले रेंज भी लिख लेने दो रेंज ऑफ आर टू इज इक्वल टू क्या क्या आएगा देखो डोमेन यानी ऑर्डर पेयर में पहले प्लेस में जो नंबर है उसको हम क्या कहते हैं डोमेन कहते हैं तो एक दो तीन चार पांच ये सभी आपके डोमेन हो गए या तो आप यहां से भी लिख सकते हो पर इधर ही से लिखो चलो फिर रेंज तो ये लिख दो वन वन बाई टू वन बाई थ्री वन बाई फोर वन बाई अच्छा ये फाइव आना चाहिए वन बाई फाइव ठीक है लिख देते हैं वन टू टू नहीं वन बाई टू वन अपॉइंट थ्री वन अपॉइन फोर और ये वन अपॉइन फाइव ये लीजिए यहां पे आपका सेकंड सब क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया क्वेश्चन नंबर काफी इजी था इजी था कि नहीं है ना दोनों के दोनों क्वेश्चन सेम टू सेम थे तो हमने इसको सॉल्व कर लिया है अभी क्वेश्चन नंबर टेन देखेंगे लेकिन उसके भी पहले इसको आप लिख लीजिए यहां पर देखिए ये आपका क्वेश्चन नंबर टेन है तो यहाँ पे ये यह रिलेशन दिया गया है अभी इसमें हमको बताना क्या है हमें ना यहाँ पे रेंज बताना है ऑफ आर यानी ये जो रिलेशन है इसमें हमको रेंज बताना है तो कैसे करोगे बहुत ही सिंपल है ध्यान से देखो यहाँ पे देखो क्या दिया गया ए कॉमा बी ठीक है A, B, और यहाँ पे देखो बी इज इक्वल टू क्या है ए प्लस वन मतलब बी का वैल्यू क्या होगा ए का वैल्यू जैसे समझिए टू है तो बी का वैल्यू क्या हो जाएगा टू प्लस वन कर दीजिए थ्री इस तरीके से और ए बिलोंग्स टू जेड जेड यानी क्या होता है स्टूडेंट इंटीजर होता है इंटीजर मतलब क्या इसमें ना निगेटिव नंबर भी आते हैं जीरो भी आता है और पॉजिटिव नंबर्स भी आते हैं ठीक है तो उसको हम क्या कहते हैं इंटीजर कहते हैं और देखो यहाँ पे एक और कंडीशन दिया गया है कि ए इज ग्रेटर देन जीरो मतलब ए का वैल्यू जीरो से बड़ा होना चाहिए और पांच से छोटा होना चाहिए तो ए के वैल्यूज क्या क्या होंगे देखो यहाँ पे हम लिखते हैं ए का वैल्यू क्या होगा वन होगा क्योंकि क्या बोला गया है ग्रेटर देन जीरो ओके तो ग्रेटर देन जीरो मतलब वन तो जब हम ए का वैल्यू वन लेंगे तो बी का वैल्यू क्या हो जाएगा बी का वैल्यू हो जाएगा आपका ए प्लस वन है ना तो ए मतलब वन वन प्लस वन कर दोगे तो टू यानी उस टाइम पे बी का वैल्यू क्या होगा टू होगा और जब ए का वैल्यू क्या होगा टू होगा तो बी का वैल्यू क्या हो जाएगा टू प्लस वन यानी कि थ्री और जब ए का वैल्यू थ्री होगा तो फिर बी का वैल्यू क्या हो जाएगा थ्री प्लस वन यानी कि फोर और जब ए का वैल्यू क्या हो जाएगा फोर तो फिर बी का वैल्यू क्या होगा फोर प्लस वन यानी कि फाइव अच्छा इसके आगे हम जा सकते हैं क्या नहीं जा सकते क्यों पूछिए क्यों क्योंकि यहाँ पे देखो साफ साफ लिखा हुआ है कि ए इज लेस देन से छोटा ही होना चाहिए five से छोटा मतलब बस चार तक इसके आगे जाओगे तब तो उसमें फाइव भी आ जाएगा फाइव नहीं आना चाहिए ठीक है तो ये सारे आपके ए के वैल्यूज हैं ये सारे आपके बी के वैल्यूज हैं तो यहाँ पे आपका रिलेशन क्या हो जाएगा देयर फॉर रिलेशन इज इक्वल टू ए का वैल्यू वन तो बी का वैल्यू टू ए का वैल्यू टू तो बी का वैल्यू थ्री ए का वैल्यू थ्री तो बी का वैल्यू फोर ए का वैल्यू फोर तो बी का वैल्यू फाइव ठीक है हमको बताना है क्या है बस रेंज बताना है अगर डोमेन पूछा होता तो वो भी हम बता देते है ना तो यहाँ पे बस अभी रेंज लिखेंगे यहाँ पे हम लिखते हैं रेंज ऑफ आर ओके तो रेंज मतलब क्या होता है ऑर्डर पेयर में जो दूसरे प्लेस पे नंबर होता है उसको हम रेंज कहते हैं यानी दो तीन चार पांच ये सभी आपके रेंज हो गए दो तीन चार और ये पांच ये लीजिए देखिए क्वेश्चन नंबर टेन कितना आसान था है ना यहाँ पे आपका टेंथ क्वेश्चन भी कंप्लीट हो चुका है अब बस एक ही क्वेश्चन 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 बचा हुआ है है नंबर उसमें तीन सब दिए गए हैं काफी इजी है। आप जल्दी से इसको लिखिए फिर उसके बाद हम लोग इलेवन क्वेश्चन भी देख लेते हैं तो फाइनली हम लोग क्वेश्चन नंबर इलेवन पे पहुंच ही गए इसमें क्या दिया गया है कि फाइंड द रिलेशन एज सेट्स ऑफ ऑर्डर पेयर्स तो कैसे करोगे इसमें देखो तीन सब क्वेश्चन दिए गए सबसे पहले ये वाला देखो इसमें x को वाई दिया है वेयर y इज इक्वल टू थ्री एक्स एंड एक्स बिलोंग्स टू दिस सेट y बिलोंग्स टू दिस सेट तो कैसे करोगे चलो मैं आपको बताती हूं यहाँ पे देखो हम लिखते हैं वेन x इज इक्वल टू जब x का वैल्यू वन होगा ठीक है तब y का वैल्यू क्या होगा यहाँ पे देखो क्या बोला जा रहा है वाई इज इक्वल टू थ्री एक्स यानी कि वाई इज इक्वल टू थ्री इन टू एक्स का वैल्यू इज वन तो y का वैल्यू क्या होगा थ्री यानी जब x का वैल्यू वन होगा तो y का वैल्यू क्या होगा स्टूडेंट थ्री होगा देखो x इज इक्वल टू जब मैं टू लूंगी तो y का वैल्यू क्या होगा थ्री इंटू टू यानी कि सिक्स ठीक फिर x का वैल्यू जब हम थ्री लेंगे तो फिर y का वैल्यू क्या होगा थ्री इंटू थ्री यानी कि नाइन है ना अच्छा x का वैल्यू और हम आगे ले सकते हैं नहीं ले सकते क्योंकि देखो x बिलोंग्स टू दिस सेट और ये सेट के अंदर बस इतने ही एलिमेंट्स हैं हम ले चुके हैं राइट इतना कर लिया देखो x और y के वैल्यूज हमको मिल चुके हैं अभी यहाँ पे ऑर्डर पेयर लिख दो सेट सेट ऑफ ऑर्डर पेयर्स तो यहाँ पे हम लिखते देयर फॉर सेट ऑफ ऑर्डर पेयर्स ऑर्डर पेयर्स ओके इज इक्वल टू क्या हो जाएगा ध्यान से देख लीजिए x का वैल्यू वन तो y का वैल्यू थ्री x का वैल्यू टू तो y का वैल्यू सिक्स x का वैल्यू थ्री तो y का वैल्यू नाइन ओके ये थ्री है तो ये लीजिए हमने ना पहला क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया है मतलब पहला सब क्वेश्चन ठीक है समझ में आ रहा है कि नहीं ये थ्री है हाँ अच्छा रुको मिटा करके सही ही लिख देती हूँ अब ये वाला देख लेना जरा इसमें भी कुछ कंडीशन दी गई हैं तो यहाँ पे एक्सकॉमा वाई वे वाई इज ग्रेटर देन अच्छा वाई क्या होना चाहिए ग्रेटर होना चाहिए एक्स प्लस वन से एंड एक्स बिलोंग्स टू दिस सेट एंड वाई बिलोंग्स टू दिस सेट तो कैसे होगा ये भी बहुत ही सिंपल है देखो ध्यान से अगर मैंने अच्छा इधर वेन वेन लिख दो वेन वेन इधर भी वेन ओके यहाँ पे लिखना वेन x इज इक्वल टू वन ठीक है हम लोग जोड़ी बनाते हैं जब x का वैल्यू वन तो y का वैल्यू हम क्या ले? y जो है वो इस सेट से बिलोंग कर रहा है ना तो मैंने पे y का वैल्यू टू ले लिया आप एक काम करो जैसे हम लोग जोड़ी बनाते हैं ना कैसे प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स का वैसे करके पहले जोड़ी बना दो उसके बाद हम ये चेक करेंगे ठीक है कि ये सेटिस्फाई हो रहा है कि नहीं जहां पे ये सेटिस्फाई होगा ये वाला कंडीशन मतलब वही हम वाई का वैल्यू लेंगे और फिर उसके बाद ऑर्डर पेयर इस फॉर्म में हम लिख देंगे ठीक है तो कैसे होगा देखो अच्छा ये हो गया ना अभी x का वैल्यू वन लेना और y का वैल्यू यहाँ पे लिखना वेन मत लिखो इधर वेन ना लिखो बस ऐसे ही लिखो x इज इक्वल टू वन और y इज इक्वल टू टू ले लिया हमने x इज इक्वल टू वन वाई इज इक्वल टू फोर ले लेते हैं अब x इज इक्वल टू वन ही रहेगा y इज इक्वल टू सिक्स ले लेते हैं उसके बाद x का वैल्यू टू है ना तो x का वैल्यू टू ले लो y का वैल्यू टू लेना फिर यहाँ पे x का वैल्यू ले लीजिए 2 और y का वैल्यू क्या लोगे 4 फिर यहाँ पे x का वैल्यू 2 और y का वैल्यू 6 ठीक है अब ये जो यहाँ पे कंडीशन दी गई थी इसको हम लोग चेक करते हैं ठीक है क्या बोला गया था यहाँ पे x plus 1 इज ग्रेटर देन y चलो देखते हैं y का वैल्यू इज 2 ठीक है 2 इज ग्रेटर देन x का वैल्यू इज 1 तो 1 plus 1 किया तो 1 plus 1 1 plus 1 करोगे तो क्या आएगा 2 और टू तो इस टू के इक्वल होगा इससे बड़ा थोड़े ना होगा इससे छोटा थोड़े ना होगा टू इज ग्रेटर देन प्लस वन मतलब यहाँ पे जो वैल्यू आना चाहिए ना वो छोटा होना चाहिए इस टू से ठीक है तो ऐसा तो कुछ होगा नहीं क्योंकि वन प्लस वन इज नॉट लेस देन टू है ना तो इसीलिए यहाँ पे ये वाला ये वाला हम नहीं लेंगे ठीक है अभी दूसरा वाला देखो यहाँ पे वाई का वैल्यू इज फोर ज ग्रेटर वैल्यू इज वन वन प्लस वन करोगे टू आएगा तो ये वाला है, है uh, सेटिस्फाई uh, तो हो रहा है मतलब यहाँ पे ये वाला कंडीशन जो है ये सेटिस्फाई हो रहा है ठीक है और यहां पर देख लेते हैं वाई का वैल्यू इज टू इज ग्रेटर x का वैल्यू इज टू प्लस वन ये सेटिस्फाई हो रहा है जी नहीं ये नहीं हो रहा है तो यहाँ पे ऐसे करके इसको काट दो ओके और यहाँ पे देखो वाई का इज फोर इज ग्रेटर देन एक्स प्लस टू तो एक्स का वैल्यू टू है टू प्लस वन एक्स प्लस टू नहीं है एक्स प्लस वन है तो टू प्लस वन यहाँ पे थ्री आ जाएगा और थ्री क्या होता है चार से छोटा ही होता है मतलब यहाँ पे ये कंडीशन सेटिस्फाई हो गया अभी ये लास्ट वाला चेक कर लेते हैं y का वैल्यू इज सिक्स इज ग्रेटर देन x का वैल्यू इज टू टू प्लस वन तो यहाँ पे ये वाला भी कंडीशन सेटिस्फाई हुआ तो यहाँ पे सेट ऑफ ऑर्डर पर आप क्या लिखोगे देखो मैं आपको बताती हूँ चलो इधर नीचे लिख देती हूँ यहाँ पे लिखेंगे देयर फॉर सेट ऑफ ऑर्डर पेयर्स ऑर्डर्ड पेयर्स इज इक्वल टू क्या आएगा जो कंडीशन जहाँ पे गिवन कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुआ था ना उसे आप नहीं लोगे जहां पे हुआ था वही लोगे देखो यहाँ पे ये यह सेटिस्फाई नहीं हो रहा है तो इसको आप नहीं लोगे ये सेटिस्फाई हो रहा है ना तो इसको ले लोगे तो तो y y का value, uh, x का का वैल्यू 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 x हम क्या लेंगे 1 और ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है ठीक है फिर इसी तरीके से आगे देखिए यहाँ पे ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है ना तो इसमें एक्स का वैल्यू क्या लिया था वन लिया था और वाई का वैल्यू सिक्स फिर उसके बाद आगे देख लीजिए ये नहीं हो रहा है बाकी ये दोनों तो इसमें x का वैल्यू टू y का वैल्यू फोर और उसके बाद और पे पे हो रहा था यहां पे। तो टू, तो x का का वैल्यू वैल्यू y ये आपके क्या हो गए सेट ऑफ ऑर्डर पेयर्स ठीक है समझ में आया कि नहीं हाँ थोड़ा सा ऐसे नीचे की तरफ जा रहा है पर इतना तो है कि आपको समझ में आ रहा है सेट ऑफ ऑर्डर पेयर इज इक्वल टू ये लिख देना बस ठीक है अब ये तीसरा वाला देख लीजिए एकदम लास्ट वाला यहाँ पे क्या बोला गया है अच्छा है, x कॉमा वाई वेयर x प्लस वाई इज इक्वल टू थ्री एक्स एंड y बिलोंग्स टू दिस सेट तो ये भी बहुत ही आसान है देखो ध्यान से यहाँ पे आ, x और y दोनों एक ही सेट से, से बिलोंग करते हैं इसी सेट से करते हैं ठीक है ठीके? और यहाँ पे x प्लस वाई इक्वल टू क्या होना चाहिए थ्री के इक्वल होना ही चाहिए x प्लस वाई मतलब x और y आपको ऐसे नंबर्स लेने हैं जैसे कि समझिए एक्स का वैल्यू मैंने जीरो ले लिया और y का वैल्यू थ्री तो फिर ये तो कंडीशन सेटिस्फाई हो ही जाएगी ना थ्री प्लस इस सेट में होने चाहिए वही नंबर्स हमको लेने हैं इसके बाहर के नहीं लेने क्योंकि एक्स और वाई बिलोंग्स टू दिस सेट ओनली समझे तो चलो देखते हैं कैसे होगा यहाँ पे हम लिखेंगे वेन यहाँ पे देखो ऐसे करके थोड़ा सा ये कंडीशन जो है उसको भी लिख देते हैं यहाँ पे क्या बोला गया है कि एक्स एंड वाई बिलोंग्स टू तो दिस सेट ओनली ठीक है दिस सेट जीरो वन, टू, थ्री। फिर यहाँ पे क्या बोला गया है कि x प्लस वाई इज इक्वल टू तो थ्री होना चाहिए तो यहाँ पे लिखिए वेन x इज इक्वल टू तो, क्या ले हम x इज इक्वल टू तो जीरो ले लेते तो फिर y कितना लेना पड़ेगा थ्री लेना पड़ेगा तब जाके ये कंडीशन सेटिस्फाई हो पाएगा क्योंकि जीरो प्लस थ्री इज इज इक्वल टू थ्री हो जाएगा फिर यहाँ पे लिखिए वेन x इज इक्वल टू एक्स का वैल्यू अभी हम क्या वन लिया तो वन है ना इसमें तो फिर हमें y का वैल्यू क्या लेना पड़ेगा वेन x इज इक्वल टू जीरोन वाई इज इक्वल टू थ्री ठीक है ऐसा हमको लेना पड़ेगा फिर x इज इक्वल टू वन लिया तो y इज इक्वल टू हमको टू लेना चाहिए तभी तो ये कंडीशन ये जो दिया गया है ये सेटिस्फाई हो पाए हो पाएगा क्योंकि वन प्लस टू टू प्लस वन क्या हो जाएगा थ्री हो जाएगा फिर आगे देखो यहाँ पे लिखो वेन x इज इक्वल टू टू देन वाई इज इक्वल टू वन लेते हैं ठीक है और फिर यहाँ पे लिखिए वेन एक्स इज इक्वल टू थ्री तो वाई हमको क्या लेना पड़ेगा जीरो लेना पड़ेगा तभी तो ये कंडीशन सेटिस्फाई होगा ना बस इतने ही यहाँ पे पॉसिबल केसेस होंगे और कुछ भी नहीं होगा चलिए अभी हम लोग ऐसे लिख देते हैं सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स दे आर फॉर सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा स्टूडेंट देखिए यहां पे पहले इधर देखो x का वैल्यू जीरो तो y का वैल्यू हमें थ्री लेना पड़ेगा x का वैल्यू वन तो y का वैल्यू टू लेना पड़ेगा x का वैल्यू टू तो y का वैल्यू वन लेना पड़ेगा और x का वैल्यू थ्री तो y का वैल्यू जीरो हमको लेना पड़ेगा समझ में आई बात तो ये लीजिए यहां पे आपका थर्ड सब क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया तो ये एक्सरसाइज काफी ईजी था मुझे तो कुछ डिफिकल्ट नहीं लगा आपको भी नहीं लगा होगा अगर आपने ध्यान दिया होगा तो है ना ध्यान से देखा है कि नहीं तो यहाँ पे फाइनली जो हमारा एक्सरसाइज टू है ये पूरा कंप्लीट हुआ अब इसमें क्या बाकी रहता है पता है आपको एक्सरसाइज तो उसकी भी चिंता बिल्कुल भी नहीं करना सब कुछ करवाऊंगी एक भी सवाल छोड़ने नहीं वाली ठीक है और आपको ये सारे वीडियोस मिलेंगे कहाँ पे ये जो आपका लेसन नंबर सेट्स एंड रिलेशन है अगर आपको इसके पूरे वीडियोस लाइन से चाहिए तो एक बार प्लेलिस्ट में जाकर के देखो हर एक लेसन के लिए मैंने अलग से प्लेलिस्ट बनाया है चाहे वो सेट्स एंड रिलेशन हो या फिर कॉम्प्लेक्स नंबर्स हो तो वहां पे जा जाओ और प्ले में जाकर के चेक करो लाइन से आपको सारे वीडियोज मिल जाएंगे ठीक है और मिसलिनियस एक्सरसाइज भी समझ लो प्ले में है जाकर के देखो ठीक है चलो बच्चों अभी हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में थैंक यू